नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, देश भर के लाखों पेंशन भोगियों, फैमिली पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन और फैमिली पेंशन में रिवाइज को लेकर, संशोधन को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि बहुत सारे पेंशन भोगियों, फैमिली पेंशन भोगियों को मात्र 9000 रुपये पेंशन मिलती है। तो ऐसे में दोस्तों, इसको सुधारा गया है और इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है और 1 जनवरी 2016 से उनको फायदा देने के लिए कहा गया है। 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पे उनकी पेंशन बढ़ाई जाएगी। सातवें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर का फार्मूला था, तो उसी के हिसाब से पेंशन भोगियों और फैमिली पेंशन भोगियों को इसका लाभ दिया जाएगा। बहुत सारे जो फैमिली पेंशन भोगी हैं वो अभी तक मात्र 9000 रुपये पेंशन पा रहे थे, लेकिन दोस्तों अब उनकी भी पेंशन बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही साथ कर्मचारी की अविवाहित बेटी, तलाकशुदा बेटी और विधवा बेटी को भी फैमिली पेंशन बढ़ के मिलने वाली है। अभी तक उनको 9000 रुपये मात्र पेंशन के रूप में मिलती थी, लेकिन उनकी कठिनाइयों को देखते हुए उनकी फैमिली पेंशन को बढ़ा दिया गया है। जैसे कि दोस्तों, जो कर्मचारी सेवा के दौरान जिनकी मृत्यु होती है तो 50% पेंशन मिलने का प्रावधान है बेसिक। तो अब अविवाहित बेटी, विधवा बेटी और तलाकशुदा बेटियों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। अगर पेंशन भोगी की मृत्यु रिटायर होने के 7 साल के अंदर होती है तो बढ़ी हुई फैमिली पेंशन मिलती है, तो अविवाहित बेटी, विधवा बेटी और तलाकशुदा बेटियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। कर्मचारी की पत्नी नहीं होने पे अविवाहित बेटी, विधवा बेटी और तलाकशुदा बेटियों को भी बढ़ी हुई दर से फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं किसको कितना मिलने वाला है। जी हाँ, तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि 21700 की बेसिक से कर्मचारी रिटायर हुए हैं तो उनकी बेसिक पेंशन 10,850 रुपये हो जाएगी। डीए उसमें इंक्लूड किया जाएगा 38%, तो 4,123 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार से टोटल पेंशन बन जाएगी 14,973 रुपये। तो ऐसे में दोस्तों, कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद या पेंशन भोगी की मृत्यु होने के बाद कर्मचारी की विधवा को, या फिर कर्मचारी नहीं है तो ऐसे में दोस्तों अविवाहित बेटी, तलाकशुदा बेटी और विधवा बेटी है तो उनको 10,633 रुपये फैमिली पेंशन मिलने वाली है। वहीं दोस्तों 24,500 अगर बेसिक है तो 12,250 उनकी बेसिक पेंशन हो जाएगी। 4,655 रुपये डीए ऐड करने के बाद 16,905 रुपये उनकी पेंशन बन जाएगी। ऐसे में दोस्तों फैमिली पेंशन जो होगी वो 12,005 रुपये मिल जाएगी, पहले 9,000 रुपये ही मिलती थी। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि 27,600 की बेसिक है तो 13,800 यानी कि हाफ बेसिक पेंशन हो जाएगी। 5,244 रुपये डीए उसमें ऐड होगा, 19,044 रुपये उनकी पेंशन बन जाएगी और फैमिली पेंशन 13,524 रुपये हो जाएगी। इसका भुगतान अविवाहित बेटी, विधवा बेटी और तलाकशुदा बेटियों को भी किया जाएगा अगर कर्मचारी की विधवा नहीं है तो। वहीं दोस्तों 32,000 जिनका बेसिक है तो 16,000 उनकी बेसिक पेंशन हो जाएगी, तो उनको पेंशन के रूप में 22,080 रुपये मिलने वाला है और 15,680 रुपये फैमिली पेंशन के रूप में मिलने वाला है। 34,000 जिनका बेसिक है तो 17,000 उनकी बेसिक पेंशन हो जाएगी। 6,460 रुपये डीए मिल जाएगा, 23,460 रुपये उनकी पेंशन हो जाएगी और 16,660 रुपये उनको फैमिली पेंशन के रूप में मिलने वाला है। दोस्तों, ये फैमिली पेंशन का चार्ट जो है तैयार कर लिया गया है और इसको मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को लाइक जितना करेंगे तो मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा। तो लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाइए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, नहीं तो ये आपको ये जो है चार्ट नहीं मिल पाएगी।